नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें किसी भी विचार को नकारात्मक न माने क्योंकि वो सिर्फ एक विचार है किसने कहा कि वो नकारात्मक है वो बस एक विचार है आप उसे बना रहे हैं शायद वो आपको पसंद है समस्या क्या है अगर आप समझ जाएं कि ये बस एक विचार है तो वो शक्तिहीन होगा अगर आप उसे सच्चाई मानेंगे तो वो आपको नष्ट कर देगा वो बस एक विचार है, है ना क्या ये सच है कि आपने ही उसे पैदा किया था नहीं आ, आपको इस बारे में शक है क्योंकि आप सोच नहीं रहे हैं आपको मानसिक दस्त हो रहे हैं हां विचार बस चल रहे हैं सोचना मतलब सोचना शब्द का अर्थ है कि आप विचार प्रक्रिया को होशपूर्वक चला रहे हैं है ना सोचना एक होशपूर्वक किया जाने वाला काम है फिलहाल मानसिक दस्त की स्थिति है ख्याल बस हर वक्त बहते ही चले जा रहे हैं अब इसमें गलत क्या है और इसमें सही क्या है गलत यही है कि यह बेहोशी में हो रहा है यही नकारात्मकता है न कि विचारों का विषय शैतान के विचार नकारात्मकता है और भगवान के विचार सकारात्मकता ऐसा कुछ नहीं होता इसमें सबसे नकारात्मक बात अभी यही है कि विचार बेहोशी में चल रहे हैं इसमें यही नकारात्मकता है और तमाम लोग इसमें खुद को बर्बाद कर चुके हैं उन विचारों को रोकने की कोशिश में जिन्हें वो नकारात्मक समझते हैं और वो उन विचारों से अलग अलग तरीकों से लड़ते हैं यू क्रिएट दिस थिंग्स यू फाइव आप ही विचार पैदा करते हैं और फिर उनसे लड़ते हैं ये विचार आपके हैं तो उन्हें पैदा करके वापस खुद में समा लेना आपको आना चाहिए आपको अपनी मर्जी से विचार पैदा और गायब करना आना चाहिए पर अभी आपके अपने ही भूत इतने बड़े बन गए हैं कि आप उनसे लड़ना चाहते हैं यदि आप जीतते हैं तो आप वाकई हार गए हैं क्योंकि अपनी ही पैदा की हुई चीज से लड़कर जीतना यानी आप वाकई उलझ चुके हैं है ना तो नकारात्मक और सकारात्मक विचार जैसा कुछ नहीं होता या तो सचेतन विचार होते हैं या मानसिक दस्त तो इन्हें कैसे रोक मान लीजिए आपको दस्त हो रहे हैं शारीरिक दस्त आप सबसे पहले क्या करेंगे हर दूसरा इलाज बाद में सबसे पहले बुरा भोजन खाना बंद करना होगा है ना किसी वजह से दस्त हुए सबसे पहले बुरा भोजन बंद वजह चाहे जो भी हो उसे रोकें। सबसे पहले आपको यही करना चाहिए अभी खराब खाना बस यही है कि आपने अपनी पहचान किसी ऐसी चीज से जोड़ ली है जो आप नहीं हैं। अब आप अपनी विचार प्रक्रिया को नहीं रोक पाएंगे चाहे जो कर लीजिए आप मन चाहे मंत्र जपें मन चाहे भगवान के बारे में सोचें चाहे जो करें जब आप अपनी पहचान किसी ऐसी चीज से जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं आपका मन रुकेगा नहीं